हो गई है लड़कियों, रैपंज़ेल जाग गई है, इसलिए वह ताजा है और वह सुंदर भी है ना? ये
डाको भी जाग गई है और एक नए दिन के लिए तैयार है। लड़कियों को भूख लगी है, जल्दी करो और नाश्ते के लिए तैयार हो जाओ। रैपंज़ेल का नाश्ता आज सेब, पाए और फलों की चाय है। काश रैपंज़ेल एक स्वादिष्ट भोजन कर सकती। सडाको डरावने व्यंजनों से भरी एक मेज सजा रही है, उनका मजा ले रही है। बढ़िया है। नाश्ते के बाद सडाको और रैपंज़ेल सड़क पर चल रहे हैं और उन्हें अचानक से केन और फ्रेक्सटीन के साथ एक पार्टी का निमंत्रण मिला है। निमंत्रण बहुत अच्छा है, हमें मना नहीं करना चाहिए, है ना? वो रैपंज़ेल के पास बहुत सारी सुंदर पोशाकें हैं, बैग और जूते का तो जवाब ही नहीं। रैपंज़ेल जब घूमने जाती है तो वह अक्सर जीन्स के साथ एक क्रॉप टॉप पहनती है। वाओ! लेकिन कई बार बदलते समय में जब वह बदलती है तो अपने स्टाइल को सात प्यारे रंग के जानवर के सूट में रंगीन राजकुमार वाले के कपड़ों में बदलती है और क्रिस्टल के जूते के साथ बड़ी बालों वाली चोटी बदलती है। रैपंज़ेल बहुत सुंदर है ना? इस बीच सडाको की अलमारी डरावनी चीजों से भरी पड़ी है। सडाको कपड़े पहनकर देख रही है, लेकिन पार्टी के लिए कोई कपड़े सही नहीं लग रहे। सडाको दुखी मत हो, रैपंज़ेल सडाको की मदद करेगी। पहली ड्रेस पॉप रॉक स्टाइल होगी, जिसमें हाई बूट्स हाई लाइट्स होंगे। दूसरी ड्रेस एक लंबी चिकनी तंग फिटिंग वाली बॉडी प्रोम पोशाक होगी। और अंत में प्यारी काली बिल्ली जैसी मिलीजुली पोशाक। सडाको के जन्मजात व्यक्तित्व को बढ़ाने के लिए थोड़ा ग्रे के साथ मिलाकर सभी तीन ड्रेसेस के लिए काले रंग का इस्तेमाल किया जाएगा। थोड़ा अधिक स्पार्कलिंग डस्ट छिड़केंगे और हाईलाइटिंग के लिए स्पार्कलिंग स्टोन्स को ड्रेसेस में जोड़ेंगे। सडाको एक एक करके कपड़े आजमाएगी। क्या वह पहले सेट में ऊर्जावान नहीं दिखती? सडाको दूसरे सेट में कितनी प्यारी और सुंदर है। लेकिन तीसरा सेट सबसे प्रभावशाली है, खासकर जब सडाको एक लंबे लट वाली काले बालों के साथ पोशाक को आजमाएगी। वह कितनी प्यारी और शानदार लग रही है। अब चलो लड़कियों, पार्टी करते हैं। सभी मेहमान यहाँ पर आ गए हैं। अच्छी बात है। आपका स्वागत है केन और रैपंज़ेल। आपका स्वागत है फ्रेंड्स और सडाको। चलो एक मजेदार पार्टी करें।